बहुत जोर की पड़ सकती है फिर से, तो क्या पावर स्टॉक से जुड़े हुए, पावर ट्रांसमिशन हो, पावर सप्लाई, पावर एंसिलरीज हो, वो भी अच्छे बेट्स होंगी ऐड करने के लिए उस स्पेस पर, आपकी कोई रिकमेंडेशन? अभी देखें पावर स्पेस में जितने भी फाइनेंशियल या लीजिंग कंपनीज हैं उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है, एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि अभी ओवरऑल पावर सेक्टर में ऑलरेडी हमारा एक बुलिश अप्रोच है, तो अभी ओवरऑल अगर हम देखें गर्मी को भी देखते हुए या फिर मेजॉरिटी अभी हमारा जो ईवी के तरफ रुझान है उसको भी अगर हम देखते हुए ओवरऑल पावर सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे कंपनीज हैं। जैसा कि अगर इनिशियली अगर हम लीडिंग प्लेयर्स की बात करें तो पावर सेक्टर में जैसे अगर टाटा पावर हो गया जो कि अपने मेजर सपोर्ट के पास ट्रेड हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 200 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, वो बहुत स्ट्रांग शेयर है एक्यूमुलेट करने के लिए। नियर टर्म पे उसका 240 260 का एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, बट अगर जैसे ही वहां एक ब्रेक थ्रू देता है वहां से एक अच्छा खासा रैली मल्टीपल टाइम्स हम उसमें देख सकते हैं लंबी अवधि के लिए। सो पावर सेक्टर में बहुत अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है, बट ये हमें मेक श्योर करना होगा कि हमारा टाइम फ्रेम मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हो। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में थोड़ा हमें उछाल देखने को मिल जाएगा, बट जितनी लंबी अवधि के लिए हम पावर सेक्टर में रहेंगे हमारा उतना ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलने की ज्यादा संभावना रहेगी। प्ले है पावर सेक्टर लंबी अवधि के लिए, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स इन शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन एक और स्टॉक है मिसेस बेक्टर्स फूड नागराज, जिस पर आप अपनी राय दीजिए। पैकेज फूड सेगमेंट में इस स्टॉक को अगर देखेंगे, आज देखिए कमजोर बाजार में भी करीब 3.25% की तक की तेजी दिखा चुका है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 3% तक के अपोज, कंपनी के नतीजे बेहतर रहे हैं और साथ ही काफी सारे फैक्टर्स हैं। मार्जिन गाइडेंस कंपनी ने पॉजिटिव दिया था पिछले दिनों, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी जो है वो लगातार दुरुस्त होती गई है जिसका एक इम्पैक्ट पड़ा है। टेक्निकली मिसेस बेक्टर्स फूड में चार्ट्स कैसे लग रहे हैं, ट्रेड का नजरिया अगर बनाना है किन लेवल्स पर बनाना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल, बेक्टर फूड आप लंबी अवधि के चार्ट देखोगे एक अच्छा खासा एक एक्सलेंट अपसाइड बाउंस हम दे सकते हैं, ये अप ट्रेंड देख सकते हैं ये कंटिन्यू रहा है लास्ट 4-5 महीने में। जो ये स्टॉक 200 लगभग 250 260 के बॉटम बनाने के बाद कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, हायर टॉप्स हायर बॉटम है, और आज भी लास्ट 2 वीक का एक जो डाउनवर्ड करेक्शन था करीब करीब 500 के आसपास लग रहा है कि खत्म हो गया, और इधर से एक नया फ्रेश अपसाइड मोमेंटम अभी दिखने को मिला है। मेरे ख्याल से ये अपसाइड मोमेंटम जारी रहेगा और इवन लंबी अवधि का भी ये चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, और मैं मानता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ये स्टॉक में अगर रहा तो भी अराउंड 600 तक। पे आप ये नजरिया 6 महीने में लगभग 50% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया और यहाँ पर अब भी बाय रिकमेंडेशन आ रही है एक्सपर्ट्स की तरफ से, तो इस स्टॉक पे जरूर ध्यान रखें। लेकिन बिस्किट सबसे पहले हमने खिलाया था अपने व्यूअर्स को, याद है था बिस्किट्स भी, बिस्किट्स से बात भी कराई थी हमने व्यूअर्स की। ये इतना धमाकेदार आईपीओ था उसके बाद लोग भूल गए इसके बारे में, 800 रुपए का आईपीओ आया था। एक साल का ग्राफ दिखाई डॉक्टर साहब, समय से बहुत एक्शन है इसमें, अभी तो इसमें एक्शन शुरू हुआ है, काफी ग्रोथ दिखी एक साल में भी, 52 का भी 70% रिटर्न्स। चलिए बहुत सारा एक्शन और शरद भी लेकर आया हम तक, खबर गरम है लेकर आए हैं, वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं, डीलिंग रूम से क्या चर्चाएं हैं शरद हमारे तक कंपाइल करके लाते हैं और इनके सक्सेस रेट काफी अच्छा है। शरद आज बताएं कौन से स्टॉक्स हैं। जी बिल्कुल, हमारी जो है बात एनालिस्ट और डीलर से हो रही है, यहाँ पे सीमेंस फोकस में रहेगा। यहाँ पे इंडियन म्यूचुअल फंड हाउसेस, दो म्यूचुअल फंड हाउसेस ने जो एक्चुअली सेलिंग स्टार्ट की है स्टॉक में, और ऑफकोर्स जो स्टॉक में गिरावट देखने मिला है वो लगभग सबसे बड़ा गिरावट जो है पिछले 14 महीने में देखने मिला है। ऑफकोर्स जो उनके Q3 नंबर्स या उसके जो कमेंट्री आए हैं कंपनी के वो तो स्ट्रॉन्ग आए हैं, लेकिन ब्रोकर्स ने जो स्ट्रेस किया कि वैल्यूएशंस जो है वो थोड़े हायर साइड पे है। अगर इन कंपनीज के बारे में देखें कैपिटल गुड्स के, तो 50-70 times की जो है FY24 PE मल्टीपल्स में इनके वैल्यूएशंस चल रहे हैं, और हमने ये पॉइंट आउट भी किया था इतिना स्वदेश में कि आपके जो कैपिटल गुड्स स्टॉक्स हैं जिनको FMCG कंपनीज की वैल्यूएशंस मिल रही हैं, और आज स्टॉक में जो है आप देखने मिल रही है थोड़ी सी सेलिंग इंस्टीट्यूशनल वे डोमेस्टिक में। पहला स्टॉक तो ये था सीमेंस का, दूसरा स्टॉक आपके फोकस में रहेगा वोल्टस, और यहाँ पे लगातार तीसरे दिन बाइंग देखने मिल रही है, और यहाँ पे HNI की जो है बाइंग जो है बढ़ चुकी है और वॉल्यूम्स में भी अच्छी तेज़ी देखने मिली है, और लगभग आप कह सकते हैं 5% का ग्रोथ पिछले 3 सेशन में देखने मिला है। तो ये दो स्टॉक्स जो है डीलर्स लोग के साथ हमारी बातचीत हो रही है, तो यहाँ पर ये बज हो रही है। ओके, वोल्टास में एक 2-3 दिन के करेक्टिव फेज के बाद वापस से तेजी आ गई है, 2.5% ऊपर है, और शरद ये पिक कर रहे हैं कि HNI वापस एक्टिव हो गए। वोल्टास में
करेक्टिव फेज के बाद जो बाइंग आई ये जारी रह सकती है क्या? क्या लेवल्स आपको लगते हैं? 1000 रुपए पॉसिबल है, 2-4 अगर दिन का व्यू लेके पोजिशनल ट्रेड करें, आप बताइए ओशो। वोल्टास में देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था अप्रोक्सीमेटली 1100 के आसपास से, एंड वहां से अप्रोक्सीमेटली 720 का एक करेक्शन डाउनसाइड का स्विंग देखा है इस काउंटर ने। बट अगर हम देखें पिछले एक महीने से एक अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए नजर आ रहा है, एंड अभी से अगर हम एक्सपेक्ट करें कि इसके सेल्स भी अच्छे हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अभी गर्मी भी एक्सपेक्टेड है कि काफी ज्यादा होगी। सो इसको ओवरऑल अगर हम सब कुछ सोच करके चलें एंड टेक्निकल सेटअप भी देखें तो बहुत अच्छा काउंटर है ये इतने अच्छे प्राइस पे, तो इसे हम एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। 2 से 3 क्वार्टर हमें इसे रखना पड़ेगा फॉर अ वेरी गुड रिटर्न। हायर एंड पे 1200-1250 का टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। संदीप सबरवाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फंडामेंटल से बात करने के लिए। संदीप गुड आफ्टरनून। संदीप, शुगर स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है? काफी लंबा बहुत बड़ा स्पेस है इन द टर्म्स ऑफ स्टॉक नंबर ऑफ स्टॉक्स, आप कौन से स्टॉक को चुनेंगे? ये शुगर में क्या हो रहा है कि साल के शुरू में उम्मीद थी कि 36-37 मिलियन टन का प्रोडक्शन होगा, धीरे धीरे ये प्रोडक्शन एस्टिमेट्स कम होते गए और अभी लेटेस्ट एस्टिमेट है 33.5 का। और ज्यादातर जो गिरावट आई है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र में आई है, तो यूपी कंपनीज जो शुगर की कंपनीज है उनके लिए ये काफी फायदेमंद है क्योंकि एक तो जो एक्सपोर्ट्स हो गए वो भी अच्छे रेट पे हो गए और ऊपर से जैसे क्रशिंग सीजन खत्म होगा वैसे मुझे लगता है कि प्राइसेस में भी अपटेक आना शुरू होगा शुगर के प्राइसेस में, और ग्लोबल प्राइसेस भी अगर हम देखें तो 52 वीक हाई के आसपास चल रहे हैं। तो ओवरऑल स्टॉक चीप है, अभी अपने साइकिल टॉप से काफी नीचे हैं, तो यूपी की जो शुगर कंपनीज हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। उसमें से सबसे अच्छी कंपनी ऑब्वियसली बलरामपुर है क्योंकि उनका बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है और वो लोग कंटिन्यूसली डिविडेंड पॉलिसी भी अच्छी है और बायबैक भी करते रहते हैं। गुड आफ्टरनून संदीप। संदीप, कुछ स्पेसेस हैं जिन पे खास नजर भी जा रही है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट स्पेस। 7 महीने के निचले लेवल पर जाने के बाद इंडेक्स में अब कुछ कुछ स्टॉक्स में तो रीबाउंड दिख रहा है, उसी तरह से एक पीएसयू स्पेस है वहां पर भी एक रिन्यूड इंटरेस्ट दिख रहा है। इन स्पेसेस पर आपकी नजर गई, यहाँ कुछ रिकमेंडेशन होंगी? देखिए रियल एस्टेट में अभी भी मैं कहूँगा थोड़ा हमें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है उसका जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो सबसे सेंसिटिव सेक्टर रियल एस्टेट रहता है। तो काफ़ी कंपनीज रियल एस्टेट की ने होल्ड ऑन किया है, कुछ में करेक्शन भी आया है लेकिन अभी ऐसा करेक्शन नहीं आया जिसमें हम कह सकें कि ये बाय लेवल पे आ गए हैं, क्योंकि थोड़ा स्लो डाउन ग्रोथ में ज़रूर आएगा जैसे हाउसिंग रेट्स बढ़ेंगे, हाउसिंग लोन रेट्स बढ़ेंगे और प्रॉफिट्स भी थोड़े प्रेशर में हैं क्योंकि हालांकि सेल्स बढ़ी हैं लेकिन जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी स्टेबल हैं। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट खरीदने का समय अभी, रियल एस्टेट स्टॉक खरीदने का समय अभी नहीं है। स्टेट को वॉचलिस्ट में रखेंगे, लेकिन कैपिटल गुड्स प्ले केपिक्स थीम पर नजर या कोई और सेक्टर्स जो आप आई कर रहे हैं, वॉच आउट कर रहे हैं इस वक्त? संदीप गुड आफ्टरनून। या अभी केपिक्स की थीम की कंपनीज मुझे अच्छी रहेंगी तो टॉप कंपनी तो L&T है और बड़ी कंपनीज में ABB सीमेंस है, उनके वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा हैं तो थोड़े करेक्शन पे देख सकते हैं और छोटी कंपनीज भी काफी अच्छा कर रही हैं। ऐसे ही मुझे लगता है कि थोड़ा मानसून खराब होने के उम्मीद के कारण ऑटो स्टॉक्स में कुछ करेक्शन आ रही है, तो फोर व्हीलर ऑटो कंज्यूमर स्टॉक्स जैसे जिनके नंबर अच्छे हैं मारुति M&M जैसे कंपनीज वो वीकनेस पे मुझे लगता है कि उन पर नजर रखनी चाहिए। संदीप बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये क्विक व्यू इन सभी स्पेसेस पर हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए 3:15 बज चुके हैं और क्योंकि बाजार में आज रिकवरी अटेम्प्ट ही नहीं हुई, इनफैक्ट जो 17,350 जो एक सपोर्ट जोन की बात करी थी की जा रही थी जिससे कल बाउंस बैक जरूर हुआ था, उसके भी नीचे अब क्लोज होते हुए इंडेक्स को देख रहे हैं, यहाँ से क्या संकेत लेके जाने चाहिए? क्या एक बार फिर से शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करने चाहिए? ओशो, यहाँ से आप BTST या फिर STBT के ट्रेड्स क्या लेंगे या कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या होंगे? देखिए अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए अभी हमें बहुत कैरिड अवे नहीं हो जाना चाहिए सेल ऑफ को देखते हुए, मार्केट पिछले 8-9 दिनों से लगातार फॉल किया है तो थोड़ा सा एक ब्रीदर लेगा डाउनसाइड पे, कंसोलिडेट करेगा उसके बाद एक वापस से रिवर्सल आ सकता है काउंटर पे। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जितने